हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में आईकार जेआरएफ 2020 क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें एंटोमोलॉजी में देयर आर लाइक अप्रॉक्सीमेटली 11 टू 12 इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चंस है। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो आई हैव गॉन थ्रू मेनी पेपर्स, सो आई हैव थॉट कि चलो लेट्स प्रिपेयर ऑन आईकार जेआरएफ 2020 ओनली, क्योंकि इसका क्वेश्चंस बहुत ईजी है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा लॉजिकल है, क्योंकि इसलिए I have prepared a lecture on this. So let's go through all the integrated pest management MCQ questions which came in ICAR JRF 2020 entomology. ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। So first question है, which one of the following is not the cultural method? So basically cultural method क्या होता है? Cultural method means basically crop management practices जो है, जैसे इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। दीज ऑल आर द कल्चरल मेथड्स। सो ये ऑप्शन में कल्चरल मेथड विच इज़ नॉट अ कल्चरल मेथड, सो इसका आंसर होगा लाइट ट्रैप, क्योंकि टिलेज कल्चरल मेथड है, क्योंकि ये भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। रेसिस्टेंट वैरायटी ये भी कल्चरल मेथड है। प्रूनिंग एंड थिनिंग ये भी कल्चरल मेथड है, लेकिन लाइट ट्रैप जो इट्स नॉट अ कल्चरल मेथड, ये तो पेस्ट मॉनिटरिंग का पार्ट है। ठीक है, सो इसलिए लाइट ट्रैप इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसेक्टिसाइड विच इज़ नॉट बैंड फॉर द एप्लीकेशन इन द क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट इज, सो डीडीटी, क्लोरोपायरिफॉस, बीएचसी। सो ये तीनों वर बेसिकली लाइक डीडीटी इज बैंड बिकॉज द इंसेक्ट्स स्टार्टेड गेटिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विच इज़ नॉट बैंड फॉर एप्लीकेशन है एल्ड्रिन है। सो एल्ड्रिन इज बैंड, द रीज़न है ड्यू टू दी एनवायरमेंट, दी एनवायरमेंट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। हम ऐसे कह सकते हैं इसका रेसिजुअल इफेक्ट जो है इट्स लाइक परसिस्टेंट, इसका रेसिजुअल इफेक्ट बहुत ईयर्स तक है। सो दिस इज कॉजिंग नेगेटिव इफेक्ट टू द एनवायरमेंट, सो दिस इज वाई द एल्ड्रिन इज बैंड। ठीक है, सो इसका कारण है ड्यू टू एनवायरमेंट परसिस्टेंसी। Third है, which one of the following is a physical method of nematode control? So पहला physical method क्या होता है? Physical method means हम कुछ physically कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे light traps, sticky traps और ये pan। So ये सब कुछ चीज़ें हैं, they are the things which we use either to control या वो insects को collect करने के लिए। So either to control them or to collect them, we will use this physical method. So in nematode control में we'll use heat, irradiation और osmotic pressure. So ये तीनों को हम use करते हैं। Next है, the degree to which a chemical is poisonous to the insect is its hazard rating. So basically hazard rating क्या होता है? See, हर chemical के लिए या हर insecticide और हर्बिसाइड, कुछ भी, हर पेस्टिसाइड, सो हर केमिकल के लिए एक हज़ार्ड रेटिंग होते हैं। सो हज़ार्ड रेटिंग का मतलब बेसिकली हर केमिकल के लिए 3 कलर्स होते हैं, मींस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर और येलो कलर भी होते हैं। सो यहाँ पे रेड कलर का मतलब ये तो फ्लेमेबल होगा, और ब्लू कलर मीन्स इट इज़ वेरी डेंजरस। सी व्हेन यू आर गोइंग ऑन रोड, इफ़ लॉरी या ट्रक इफ इट इज़ कैरिंग सम काइंड ऑफ अ पेट्रोल, सो इसके ऊपर एक साइन होगा ना, रेड कलर का साइन, जैसे इट्स फ्लेमेबल। सो ऐसे ही हर केमिकल के लिए कुछ हज़ार्ड रेटिंग होता है, ये तो कलर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो ब्लू कलर इज़ लाइक वेरी डेंजरस, लाइक द फार्मर शुड बी केयरफुल वाइल स्प्रेइंग इट। सो ये रिप्रेजेंटेशन या डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम हज़ार्ड रेटिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बिसाइड? सो साइमाजीन तो हर्बिसाइड है, ये तो सबको पता है, और ये पैराथियन, फोरेट, मैलाथियन इंसेक्टिसाइड्स हैं। ठीक है, इसमें फोरेट है, इट्स ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, सो ओनली साइमाजीन इज अ हर्बिसाइड। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस टू कंट्रोल द पेस्ट। सो लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब लीगली लॉस को यूज़ करना पेस्ट कंट्रोल के लिए, इसको हम लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। सो ये लॉस में प्लांट क्वारंटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लांट क्वारंटीन का मतलब सी लाइक फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से एक नया वैरायटी इंट्रोड्यूस हो रही है इंडिया में. सो व्हाट इंडिया विल डू इज़ इट विल क्वारंटीन दैट प्लांट फॉर सम डेज, और क्वारंटीन करने के बाद साइंटिस्ट जो है दे विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग क्या इसमें कुछ नया पेस्ट है या नया डिसीजेस है. सो ऑब्जर्व करने के बाद इफ़ इट इज़ सेफ देन दे विल रिलीज इट इनटू इंडिया. सो ये जो प्लांट क्वारंटीन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द लीगली रिस्ट्रिक्शंस. ये तो लीगली या लेजिस्लेटिव मेथड भी कहते हैं हम इसको. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव मेथड, और इसमें प्लांट क्वारंटीन का मेन रोल है. Next is trichogrammatids are parasitic on insects at what stage? So trichogramma, bicolorata, ये सब egg parasitoids है. Okay, so these are the bioagents है, और इसको हम biological control method भी कह सकते हैं. Okay, so these are the egg parasitoids. ये larva, pupa, इसमें हम wasp और ground beetle ये सब larva, pupa, these are और the predators. ठीक है, बीटल, लेडी बर्ड बीटल, ग्राउंड बीटल ये सब प्रीडेटर्स है. और वैस्प जो है इट इज़ अ एग पैरासिटॉइड भी हो सकते हैं, लार्वल और प्यूपल भी. सो इन दिस केस दे आस्क्ड ओनली ट्राइकोग्रामा. सो ये तो एग पैरासिटॉइड है. नेक्स्ट द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ डीडीटी वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल मुलर इन द ईयर ऑफ 1939. सो दिस वन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स. ओके, 1939 है. नेक्स्ट द डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट फरीदाबाद. नेक्स्ट द फर्स्ट केस ऑफ डीडीटी रेसिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स ग्लोबली वॉज रिपोर्टेड इन द ईयर 1947. सो ये तो अगेंस्ट इंसेक्ट्स, लेकिन पहले डीडीटी वॉज बैंड. इसका मेन रीज़न है इट वॉज लाइक दो रीजंस है. पहले इट इज़ सीन रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स, लेकिन द फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस वाज सीन अगेंस्ट हाउस फ्लाइज, क्योंकि बेसिकली डीडीटी इट वाज यूज्ड एज लाइक अ मस्किटो रिपेलेंट. ओके, मतलब ये इंसेक्ट्स या पेस्ट को कंट्रोल करने से पहले इट वाज यूज्ड एज अ मस्किटो रिपेलेंट. ये तो सबको पता है. सो ये मस्किटो रिपेलेंट जैसे यूज़ करने के बाद व्हाट द साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इज हाउस फ्लाइज दे स्टार्टेड गेनिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट दिस डीडीटी. सो ये तो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई डीडीटी इज़ बैंड. और एक और रीज़न है रेसिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स. ओके, सो द फर्स्ट केस ऑफ डीडीटी रेसिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स इज रिपोर्टेड इन 1947 ग्लोबली. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर. सो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है? सो हर इंसेक्ट ग्रोथ और डेवलप होने के लिए उसमें कुछ हॉर्मोन्स चाहिए. सो ये हॉर्मोन्स को रोकने के लिए या ये हॉर्मोन्स को कम्प्लीटली अवॉइड या स्टॉप करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स चाहिए. इसको हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं. सो ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम क्या है? इफ़ द हॉर्मोन्स आर कम्प्लीटली स्टॉप्ड, इफ़ द हॉर्मोन्स आर कम्प्लीटली लाइक अवॉइडेड, सो क्या होगा? इंसेक्ट का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों नहीं होगा. मीन्स इंसेक्ट विल बी डेड. सो ये इंसेक्ट ग्रोथ को रोकने के लिए विल बेसिकली यूज़ डाइफ्लूबेंज्यूरॉन. ये तो एक तरीके का केमिकल है. ओके, हम इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे क्यूटिकल फॉर्मेशन को रोकेगा और इट विल स्टॉप फ्रॉम ग्रोइंग लार्वा इनटू एडल्ट. So it will stop the insect growth. Next, from which part of chrysanthemum, cinerary folium, pyrethrum is extracted? तो बहुत important है. और ये तो it is also used as a botanical extract. So इसका source है flower. Chrysanthemum flower से will extract pyrethrum. So it is a botanical source through which we can control the pest. So these are the most important 12 integrated pest management MCQs. So ये MCQs ICAR JRF 2020 question paper में they are there. ठीक है, so thank you for watching guys. If you have any queries you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section, and also you can download this PPT from our Telegram channel Go For Agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye bye.